हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम करने जा रहे हैं अपने ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स से स्टार्ट कर रहे हैं और इस वीडियो में हम अपना ट्रू फॉल्स को पूरे कंप्लीट कर लेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3x प्लस 4y का रेशियो है 5x में 3 इज इक्वल टू क्या होता है। x बराबर y क्या ये है, अगर है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स बताना है आपको। ठीक है, तो सोल्यूशन हम करेंगे इसका। आपको गिवन क्या है पहले बताएं। आपको गिवन है थ्री एक्स प्लस फोर वाई का रेशियो 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 5:3 से। नाउ भाई 3x प्लस 4y अपॉन में 5x माइनस 3y ले सकते हैं इज इक्वल टू 5/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या होगा, 3x प्लस 4y इक्वल टू यह होगा 5 और 5x माइनस 3y। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपको करना है मल्टीप्लाई कर देना इसको। 3 3 9x प्लस 4 3 12y इज इक्वल टू 5 5 25x 5 3 15y। y एक साइड, बिना y वाले एक साइड रख देंगे तो ये हो जाएगा 9 वाले 5 को डाल जाएंगे तो क्या होगा 12y प्लस 15y और 25x माइनस 9x तो क्या हो जाएगा 12 और 15 आपके पास क्या होता है 27। तो 27y बराबर हो जाएगा 25 माइनस 9 क्या होगा 16x। तो x अपॉन y करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 16 को उठाकर नीचे और y को उठाकर इधर। तो भाई ये हो जाएगा 27 अपॉन 16 इज इक्वल टू x वहीं रह गया और y उठाकर नीचे आ गया। यहाँ से समझ आया आपके पास। तो यहाँ आपके पास सोल्यूशन ये मिला। अब आपको करना है x और y को रेशियो ले देना। x y का रेशियो क्या होगा 27:16। अब फिर चेक करना क्वेश्चन में क्या यही बोल रहा था, x का रेशियो 27 माइनस, ये आपका आंसर है। अगर है 27:16, हाँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा ट्रू है। ठीक है बेटा, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ टू नंबर इज, दो नंबर का रेशियो भाई 12:5 है। इफ एंटीसीडेंट इज 45 देन कंसीक्वेंट इज एक्स वाई। सोल्यूशन कर लेते हैं इसका। भाई रेशियो ऑफ टू नंबर क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ टू नंबर, दो नंबर का रेशियो आपको दे रखा है 12:5। कह रहा इफ एंटीसीडेंट 45 है, इफ एंटीसीडेंट 45 क्या है, 45 है तो क्या कॉन्सिक्वेंट 108 होगा। तो भैया आप ऐसा करो, 45 को, अब इस 12 को जो आपके पास फर्स्ट नंबर का रेशियो है, फर्स्ट नंबर का जो रेशियो था, रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर आपको दे रखा था 12, अब इस 12 को 45 कैसे बनाएंगे भाई। 12 को 45 बनाने के नीचे 12 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई बाय 45 कर दो। तो जब आपने इधर 45 बनाया है तो आपने क्या कैलकुलेशन करी, 45 बाय 12 करा बोथ साइड तभी कराई। तो नाउ आपका जो रेशियो है बेटा, रेशियो आपका क्या था 12:5, इसको आपने मल्टीप्लाई करा 45 अपॉन में 12 तभी निकल के आया था एंटीसीडेंट, कंसीक्वेंट निकालेंगे तो भाई रेशियो क्या बनेगा। करना जरा सॉल्यूशन इसका, 12 मल्टीप्लाई बाय 45 अपॉन 12 ये एक हो गया रेशियो, 5 मल्टीप्लाई बाय 45 अपॉन में 12। अब आपके पास क्या निकल के आया, ये तो निकल गया 45। अब इसको चेक करना है कि ये 45 निकल रहा है नहीं निकल रहा। 5 मल्टीप्लाई 45 डिवाइडेड बाय 12 आपके आया 18.75। तो 18.75 करीब कुछ आ रहा है। और आपसे क्या बोला था कि जो कॉन्जुकेंट है वो 108 आएगा, तो क्या ये आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ये आंसर आपको क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, 108 नहीं है। इसकी जगह पर क्या है आपका आंसर, आंसर क्या है एक्चुअल में 18.75 इसका कॉन्जुकेंट। ठीक है जी बेटा, तो आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 4:5 और देयर एलसीएम इज 140 द नंबर इज 35 और 45। भाई आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है,
कि भाई रेशियो दे रखा है दो पॉजिटिव इंटीजर का 40 का, तो भाई रेशियो ऑफ पॉजिटिव नंबर का रेशियो क्या दे रखा है भाई, 4:5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेट द कॉमन फैक्टर बराबर x मान लेंगे, सो द नंबर विल बी, बताओ नंबर क्या बन जाएंगे, 4x एंड 5x, और इन दोनों का एलसीएम क्या दे रखा है आपको, इन दोनों का एलसीएम दे रखा है 140। वी नो दैट एचसीएफ ऑफ टू नंबर बराबर कॉमन फैक्टर क्या है, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट जो HCF होगा, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा इन दो नंबर का, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा HCF ऑफ टू नंबर वो क्या होगा, वो हमेशा कॉमन फैक्टर के बराबर होगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर क्या निकालते हैं, कॉमन फैक्टर ही तो ही HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है जी, तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि HCF दो नंबर का जो HCF होगा, जैसे कि 80 अपॉन में 40 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 40, है ना, तो 2 अपॉन 1, तो यही जो कॉमन निकाला आपने 40, यही तो कॉमन फैक्टर, तो HCF भी 40 है और कॉमन फैक्टर भी 40 है, तो हमने कहा HCF ऑफ टू नंबर, दो नंबर का जो HCF होगा वो कॉमन फैक्टर के बराबर होगा। तो भी ये हमारा को तरीका पता चला, इससे क्या पता चला हमें, इससे हमें ये पता चला कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दो नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा LCM into HCF के बराबर होगा, LCM into HCF। तो जी हमने क्या कहा, दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होगा, तो भाई दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है जी बताओ, 4x multiply by 5x इज इक्वल टू, और एलसीएम क्या है आपके पास, 140 multiply by x। ठीक है, एलसीएम ही तो जो नंबर, एलसीएम क्या होता है बेटा, अगर 80 का एलसीएम निकालूंगा तो सबको जो मल्टीप्लाई करूंगा वो 80 के बराबर आएगा ना, तो एलसीएम क्या दे रखा है, 40। अगर एलसीएम को इसके कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे और एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा, तुमने कहा ये 420x² = 140x, एक्स एक एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो 20x इज इक्वल क्या बच गया आपके पास, तो 20x = 140, तो x बराबर क्या हो गया, 140/20, तो इधर x की वैल्यू क्या निकल के आई आपकी, x की वैल्यू निकल के आई 7, एक्स आपका क्या निकला भाई, 7 निकला नंबर। नाउ द टू नंबर, जो टू नंबर होगा वो क्या होगा, 4x था एंड 5x आर, बताओ 7 4 जा 28 एंड 7 5 जा 35 रिस्पेक्टिवली, तो दो नंबर क्या होंगे, 28 और 25 रिस्पेक्टिवली, तो ये हो गया 28 और ये हो गया 35, तो आपके पास क्या निकला बच्चे, आपके पास 28 और 35 दे रखा है, 35 और 45 दे रखा है, तो हमने कहा ये आंसर हमारा क्या है, फॉल्स है। मैं 24 क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है बच्चे, 24 द कंपाउंड रेशियो ऑफ सब डुप्लीकेट एंड सब ट्रिपलेट रेशियो ऑफ दिस एंड दिस, पहले तो उसका निकालना सब डुप्लीकेट रेशियो, फिर इसका सब ट्रिपलीकेट रेशियो निकालना है, और उसका फिर जो आंसर आएगा उसका कंपाउंड कर देना है, तो आपका आंसर क्या निकलेगा, सॉरी इसी का सब डुप्लीकेट उसी का सब ट्रिपलीकेट का अगर आंसर यह आएगा कंपाउंड करने के बाद, ट्रू फॉल्स बताना है आंसर, है ना, ये है क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले हमें क्या दे रखे, रेशियो दे रखे, तो रेशियो आपको जो दे रखे वो लिखो, रेशियो दे रखे 7:9:64। अब सब डुप्लीकेट रेशियो निकालो, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा बच्चे, 7:9:64 बताना क्या होगा सब डुप्लीकेट रेशियो, 27:8 होगा और
सब ट्रिप्लीकेट रेशो कैसे निकलेगा, क्यूब रूट करते हैं उसके लिए, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, क्यूब रूट, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ 729 रेशियो क्यूब रूट ऑफ 64, तो भाई क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 9:4। ये आपके पास, तो आपके पास वो दो नंबर आ गए, हमने सब ट्रिप्लीकेट ट्रिप्लीकेट कर लिए सब ट्रिप्लीकेट, तो अब इसका कंपाउंड रेशियो निकाल दो, वही सिंपल हो गया खत्म। तो कंपाउंड रेशियो क्या आएगा बच्चे, कंपाउंड रेशियो इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई बाई 9, है ना, ए को ए से, और 8 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 27 मल्टीप्लाई बाई 9 क्या हो जाएगा, 243, और 8 चौक 32। तो अब हम सर देखें क्या यही इनका कंपाउंड रेशियो आ रहा है, मैंने कहा भाई फॉल्स है, ये नहीं आ रहा, 81 और 8 आ रहा था शायद, ये देखो फॉल्स है, तो हमने कहा क्या है फॉल्स, ठीक है भाई। 24-25 क्वेश्चन पे आ जाइए, 25 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ टू नंबर, दो नंबर का रेशियो दे रखा है ये, द सम ऑफ थ्री टाइम द फर्स्ट नंबर, अगर सम ऑफ थ्री टाइम द फर्स्ट नंबर द ट्वाइस द सेकेंड नंबर इज 630, अगर पहले नंबर का सम थ्री टाइम हो तो ट्वाइस होगा सेकेंड नंबर का इतना 630, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, ठीक है। तो आपसे क्या बोला, दोबारा समझ लो क्वेश्चन, द रेशियो दो नंबर का रेशियो आपको ये दे रखा है, ठीक है। इसके बाद क्या रहा है, सम करना है आपको, किसका सम करना है, थ्री टाइम कर लोगे जब फर्स्ट नंबर का, और ट्वाइस कर लोगे जब सेकंड नंबर का, जब उसका सम कर दोगे तो आपका आंसर क्या निकलेगा, 630 निकलेगा, ठीक है। तो सोल्यूशन में देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको रेशियो क्या गिवन है, रेशियो आपको गिवन है 11:15, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लेट द कॉमन फैक्टर बी एस, लेट द कॉमन फैक्टर, अब आपने एक्स को कॉमन फैक्टर लेट कर लिया। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था कि भाई पहले नंबर क्या है, 11x, 11x को थ्री टाइम करना है, और दूसरा नंबर क्या है 15x को करना है ट्वाइस, पहले नंबर को थ्री टाइम करना है, दूसरे नंबर को सेकेंड नंबर को ट्वाइस करना है, और इसका जो सम होगा, इसका जो सम होगा वो किसके बराबर आएगा बच्चे, 630 के बराबर आएगा, कोई प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल। तो 11 3 33x ये हो जाएगा, 30x ये हो जाएगा इजिकल टू 630, ये क्या हो जाएगा भाई, 63x इजिकल टू 630, तो x बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्लियर, ये आपका आंसर है। तो आपको आंसर 10 ही दे रखा था, तो हम कहेंगे क्या आंसर हमारा ट्रू, क्लियर भाई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, 26 क्वेश्चन नंबर 26 क्या रहा था, मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4x और इतना, मेन प्रोपोर्शन किसका निकालना, 4x और इतना, बट ये आपके पास थोड़ा मिसिंग हो गया, तो जरा ध्यान से मैं इसको काट कर ढंग से लिखता हूँ, यह है 16x की पावर क्यूब, इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन होगा, इसको भी लिख देते हैं 12x की पावर स्क्वायर होगा क्या, ठीक है, किसका मीन प्रोपोर्शन होगा, ये सॉल्यूशन, हाँ 4x का जो मीन प्रोपोर्शन होगा 16x की क्यूब, इसका मेन प्रोपोर्शन क्या होगा, मैंने कहा कि भाई आप ऐसा करो, इसका मेन प्रोपोर्शन निकालना है ना, तो आप ऐसा करना, इसको b मान लो, ठीक है, इसका मेन प्रोपोर्शन निकल जाएगा, तो बताओ b इजिकल टू रूट ए सी होता है, तो भाई रूट ए सी के लिए क्या करना पड़ेगा, 4x मल्टीप्लाई बाई 11x की क्यूब करना पड़ेगा, तो b बराबर आपके पास क्या निकल के आएगा, b बराबर आपके पास ये होता है बी स्क्वायर इजिकल टू ए सी, है ना, बी स्क्वायर इजिकल टू ए सी, तो बी स्क्वायर इजिकल टू ए सी निकला, तो आपके पास क्या निकल गया, डियर 64 निकल के आया, 64 एस की पावर 4, तो आपके पास मेन प्रोपोर्शन क्या होगा, बी स्क्वायर 8x स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या होगा, तो ये मेन प्रोपोर्शन, मेन प्रोपोर्शन आपके पास क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन बराबर 8x स्क्वायर, स्क्वायर रूट कर लिया, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट करना है ना, 8 8 64, और एक्स स्क्वायर को दो बार करेंगे तो आएगा, तो मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, 8x स्क्वायर हो गया, तो आपको आंसर दे रखा है 12x स्क्वायर, क्या कहा है, तो हम कहेंगे नहीं ये 12x स्क्वायर नहीं, फॉल्स है, ठीक है भाई। 27 क्वेश्चन पाओ, सिंपल क्वेश्चन है ये, छोटे छोटे
द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 1 आवर 20 मिनट एंड 8 मिनट एज 12। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना बेटा आप आपको, तो लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी एक्स, भाई थर्ड प्रोपोर्शन को एक्स मान लिया। पहले तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है 1 आवर 20 मिनट, तो मैं इसको ले सकता हूँ 1 आवर 20 मिनट को, 1 आवर 20 मिनट को ले सकता हूँ, 1 आवर में 60 होते हैं, 60 प्लस 20 दैट इज 80 मिनट लिख दिया, बोल बोलम। और सेकंड वाला नंबर क्या आपके पास, 1 आवर 40 मिनट है, तो ये हो गया 60 मिनट प्लस 40 मिनट, कितना हो गया टोटल 100 मिनट हो गया। और थर्ड नंबर आपके पास क्या है, थर्ड नंबर आपके पास एक्स है, तो भाई मेन प्रोपोर्शन क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ठीक है बी स्क्वायर। अच्छा पहले वाले में बी स्क्वायर इक्वल टू या तो ए सी कर दिया था ना हमने, ऐसे करो इसको स्क्वायर हटा दो बेटा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर रूट ए सी कर दिया डायरेक्ट, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर होगा ऐसे, ठीक है इसको ठीक कर लेना थोड़ा। बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है तो मैंने रूट उधर ले लिया, तो मेरा ध्यान से निकल गया, ठीक है बेटा इसको ठीक कर लेना। बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है तो बी आपके पास क्या दे रखा है, बी आपके पास मतलब सेकंड नंबर बी होता है, ये आपके पास ए आपके पास है, ये आपके पास बी है और ये आपके पास सी है, तो बी आपके पास गिवन है इस वाले में 100, तो 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई ए, क्या है ए है 80, ठीक है तो एक्स की वैल्यू निकालना पड़ेगा 100 का स्क्वायर अपॉन में 80, तो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, 100 का स्क्वायर अपॉन में 80, तो 100 का जब स्क्वायर करूंगा तो बताना क्या आएगा, या 10,000 अपॉन में 80, 10,000 डिवाइडेड बाई 80 कैलकुलेटर में करेंगे तो इसके आपके पास क्या आ जाएगा 125, तो एस की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आई बेटा, एस की वैल्यू आपके पास 125 निकल के आई। अब चेक करेंगे 125 ये किस पे निकला है, ये निकला है मिनट में, मिनट में क्या 125 मिनट 2 घंटे के बराबर होता है भाई, 2 घंटे में तो 120 होते हैं, 125 नहीं, तो हमने कहा 2 घंटे के मिनट 120 मिनट होते हैं, इसलिए ये क्या है फॉल्स है। क्लियर है बच्चे, ठीक है 27 क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर 28 क्वेश्चन में चलते हैं। इस बार आपको ना फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है बेटा, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, तो लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बी, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन डी होता है ना, तीन पर चार प्रोपोर्शन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ए बी सी और डी। आपको क्या दे रखा है, हेयर ए बराबर दे रखा है 5, बी बराबर दे रखा है आपके पास 3.50 और सी बराबर आपके पास दे रखा है 150 ग्राम। क्लियर है भाई, ये आपके पास कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है तो ये भी ग्राम, सब ग्राम में है, ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में, इसको ग्राम ग्राम कर लेना सारे, ठीक है सब ग्राम के अंदर है, तो भाई आपके पास ये दे रखा है, तो आपको पता है प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन कब होता है, जब a अपॉन b बराबर होता है c अपॉन d के, भाई a दे रखा है 5 अपॉन में 3.50 सी आपको 150 अपॉन में d, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे बच्चे, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 5d इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई बाय 3.50, तो 5d इज इक्वल टू 150 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3.50 से तो आएगा 525, d इक्वल टू 525 अपॉन में 5, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 525 में, तो 105 आई, क्या आई 105, ये किसमें आया ग्राम में आया, और आंसर क्या दे रखा आपको 125, तो हमने कहा ये क्या है बेटा ये फोर्स, तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाया जाता है, और थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी लगाया जाता है, ठीक है जी, तो दो चीज हमने आप समझी है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए बी स्क्वायर ए सी लगेगा और फोर्थ प्रोपोर्शन में प्रोपोर्शन वाला रूल लगेगा। क्लियर है भाई यहाँ तक, ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 29 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है शायद हमारा ही। अच्छा भाई सोल्यूशन में आपको देखना क्या कह रखा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ए बी बराबर बी सी के बराबर सी बी के ये दे रखा है, ए बी सी डी क्या होगा, ये होगा क्या, ऐसे आपको निकालना है, तो मेरे को गिवन क्या है, सबसे पहले तो गिवन मैं लिखता हूँ ए रेशियो बी बराबर बी रेशियो सी बराबर सी रेशियो डी, क्या दे रखा है 5:6 दे रखा है, ठीक है तो यहाँ पर दे रखा है, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई ए रेशियो बी भी 5
5:6 है कॉमा बी रेशियो सी भी 5:6 है कॉमा सी रेशियो डी भी 5:6 है। अब बेटा एक चीज ध्यान रखना, इधर बी क्या है, ये भी है तो ये वाला भी है, और इधर भी क्या 5 है, बराबर है या नहीं, नहीं बराबर करेंगे ठीक है। अगर यहाँ सी डी है, यहाँ पर सी कितना है डी है और 6 है, तो यहाँ पर 6 कितना है 5 है, तो इसको भी बराबर करना है ठीक है भाई। ध्यान से देखना कैसे बराबर करेंगे, पहले लिखेंगे a अपॉन बी, क्या दे रखा है a अपॉन बी 5/6 है ना, तो भाई 6 को और 5 दोनों को बराबर लाने के लिए इसको 5 से कर देता हूँ और इसको 6 से कर देता हूँ, पहले वाले को करूंगा 5/5 तो 5/5 = 25 और 6/5 = 30, तो ये हो गया। अच्छा a अपॉन बी आ गया, अच्छा b अपॉन सी क्या दे रखा है, b अपॉन सी को किससे करूँ, अब b अपॉन सी आपको दे रखा है 5/6 और b क्या लेके आना है 30 लेके आना है, देखो b ये रहा b 30 है तो इधर 30 लाने के लिए क्या करना होगा 6 से करना पड़ेगा, तो हमने कहा 6/5 = 30/6 = 36। अब आपके पास क्या आ जाएगा c अपॉन d आ जाएगा, तो c अपॉन d कैसे निकालेंगे जी, c अपॉन d आपको दे क्या रखा है 5/6 दे रखा है, क्या दे रखा है 5/6। अब आपके पास c क्या दे रखा है 36, c क्या दे रखा है 36, अब आपको 36 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर ध्यान देना 36 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 36 बनाना है तो मैं करता हूँ 36/5 क्योंकि 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करूँ 36 आएगा और सेम 36/5 इधर कर देता हूँ, तो यह होगा 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, करना जाएगा 5/36/5 कैंसिल तो क्या बच जाएगा 36 बच जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पे क्या बच गया 36 और नीचे कुछ गया क्या फर्क पड़ रहा है उससे, क्योंकि सी सी सेम करना है ना, 6/36/5 क्या करेंगे भाई 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 36 से और डिवाइड कर देंगे 5 से, तो होगा 43.2, क्या है भाई 43.2 ठीक। तो आपको क्या करना है, अब ये आपके पास ठीक है रेशियो बनी, तो रेशियो आपके पास कुछ ऐसे बन गई, अब इस रेशियो को क्या करना है आपको जरा ध्यान से देखना, आपको आंसर में पहुंचाना है, आंसर तक पहुंचाना है ठीक है। तो आंसर आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है आंसर 125। तो अगर मेरे हिसाब से रेशियो देखा जाए तो मेरे हिसाब से रेशियो है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो जो दे रखा डी क्या दे रखा है मेरे हिसाब से जो रेशियो है वो है 25:30:36:43.2 ठीक है, ये रेशियो गिवन है जिस हिसाब से मैंने निकाला है अभी। अब आपको 25 करना है, तो आपको 25 को 125 बनाना है ना, क्योंकि देखो 25 को 125 बनाएंगे ना, यहाँ पर 125 दे रखा है, फिर चेक करेंगे कि सारे 125 बनाने के लिए क्या करेंगे, आपको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 5 तो भाई फिर ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या निकलेगा, ये तो निकल जाएगा 125, तभी तो उसको 25 बना। अब 30 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो क्या निकल रहा है 150 निकल रहा है, फिर चेक करेंगे, फिर 36 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल रहा है 180 निकल रहा है, और 43.2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 निकल रहा है भाई। तो भाई मेरी जो रेशियो निकली पता है क्या निकली, 125:150:180:216। अब आप चेक कर लो क्या यही आपकी रेशियो आ रही है, चेक करना 125 सही है, 150 सही है, 180 216 ठीक है भाई, आंसर टू हो गया हमारा। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा 30 क्वेश्चन में इफ द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर ऑफ फोर पॉजिटिव नंबर, चार पॉजिटिव नंबर जो कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, उसका पहला नंबर और तीसरा नंबर है 3 और 4, तो लेट द फोर कंटिन्यूड प्रपोर्शन, जो माना है ए बी सी एंड डी, ये होता है। तो हमने क्या देखा फर्स्ट और थर्ड नंबर, तो ए बराबर हमको 3 मिल गया और डी बराबर हमको मिला 12 और सी बराबर पहला और तीसरा नंबर, तो सी बराबर क्या मिल गया बच्चे, सी बराबर 12 मिला, ये तो आपको गिवन है ठीक है। अब आपके पास देन फोर्थ नंबर इज 36, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप फोर्थ प्रपोर्शन लेट करोगे बेटा तो ये और ये सेम होंगे है ना, तो हमने क्या करा जी प्रपोर्शन का रूल लगाया, तो प्रपोर्शन का रूल क्या होता है,
और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो प्रोपोर्शन का होगा ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी, वेयर अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो वेयर ए बराबर डी होगा, ए अपॉन बी और सी अपॉन डी ये होता है, ठीक है, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी होगा। तो जी इसमें आपको क्या करना है, हाँ जी बच्चे ये देखो आप ना एक काम करो, पहले डी प्रोपोर्शन निकालने के लिए आपको ना डी निकालने के लिए ए चाहिए, तीन तो चाहिए, तो डी निकलेगा। देखो जब आपको ए गिवन है ठीक है, सी गिवन है ठीक है, अब डी निकालने के लिए बी भी तो चाहिए, और बी निकालने के लिए हमने कहा ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तीनों, तो हम पहले कंटिन्यू प्रोपोर्शन का रूल लगा कर क्या निकालेंगे, कंटिन्यू प्रोपोर्शन का रूल लगा कर हम पहले निकालेंगे बी, और बी की वैल्यू जब यहाँ पुट कर देंगे प्रोपोर्शन में तब हमारा क्या निकलेगा डी निकल जाएगा। तो भाई कंटिन्यू प्रोपोर्शन है तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन बताया था मैंने क्या होता है, जब कंटिन्यू प्रोपोर्शन होता है तीन नंबर तो बी स्क्वायर इजिकल टू ए सी होता है, तो बी स्क्वायर इजिकल टू ए क्या है 3 इंटू 12, तो बी स्क्वायर इजिकल टू क्या हो 36, तो बी की वैल्यू क्या आ गया भाई 6 आ गई, ठीक है, बी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 6 आ गई। अब बी की वैल्यू मिल गई तो नाउ आपको पता ही है बेटा, नाउ ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी होता है, तो भाई ए क्या है, ए आपके पास 3 है, बी आपके पास 6 है, सी आपके पास 12 है, और डी आपके पास डी मान लेंगे, अच्छा 3d बराबर 12 इंटू 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 12 दुनी 24 आपका आंसर है, डी की वैल्यू 24 आ गई, ठीक है। अब आप चेक करो आपके पास डी की वैल्यू 24 ही बोला था, ना ना ये तो कह रहा 36, तो हमने कहा ये आंसर क्या हमारा फॉल्स है, ठीक है जी। अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में से पूछ सकते हैं, यहाँ पर हमने अपना खत्म कर दिया, लास्ट वीडियो और बची है, इसके बाद हम अपना सब्जेक्ट खत्म कर देंगे, थैंक यू।